नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं आरजे प्रो मीडिया। तो दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। झुंझुनू से पूर्व परिवहन मंत्री सांसद विजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि अमित ओला पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि पहली बार चुनाव लड़ रहे अमित ओला बीजेपी से टक्कर ले पाएंगे या नहीं, और साथ ही जानेंगे झुंझुनू विधानसभा में ओला परिवार के राजनीतिक सफर के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बता दें कि कांग्रेस ने लगातार 11वीं बार झुंझुनू विधानसभा सीट से ओला परिवार के सदस्य को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही अमित ओला वर्तमान में चिड़ावा पंचायत समिति के सदस्य हैं। झुंझुनू सीट पर ओला परिवार का दबदबा रहता आया है। दादा शीशराम ओला कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे। इसके अलावा अमित ओला के दादा शीशराम ओला मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वो कुल 8 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। अभी भी पिता विजेंद्र ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू सीट खाली हुई थी। विजेंद्र ओला लगातार 4थी बार विधायक बने थे। इसके अलावा वो गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए झुंझुनू ओला परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। इसके अलावा अमित की पत्नी आकांक्षा ओला भी दिल्ली के मॉडल टाउन से एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही आकांक्षा के पिता कर्ण सिंह 3 बार एमएलए रह चुके हैं। इसके अलावा आकांक्षा फिलहाल दिल्ली में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है। इसके अलावा झुंझुनू विधानसभा सीट भाजपा के लिए मुश्किल भरी सीट रही है। बीजेपी को आखिरी बार 1996 में उपचुनाव में जीत मिली थी। उस वक्त बीजेपी प्रत्याशी मूल सिंह ने कांग्रेस के विजेंद्र ओला को हराया था। उसके बाद यहां कमल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा क्या अमित ओला बीजेपी की लंका को भेद पाएंगे, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक जय जवान जय किसान।